रियली दिवाकर भैया, आप तो बहुत लकी हो, भाभी तो बहुत सुंदर है। अरे इसलिए रिश्ते में भाभी से मिलने नहीं दिया, क्यों छोटू? हाँ भाभी, जो छोटू है ना, पता नहीं आपको लेकर इतना पोजेसिव क्यों है। सॉरी सॉरी, आप यही सोच रही हो ना कि हम लोग इसे छोटू क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना, हम सारे फ्रेंड्स के निकनेम्स हैं, तो दिवाकर का निकनेम है छोटू, अब इसका निकनेम छोटू के लिए तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। वैसे भाभी, आपको हमारे छोटू मिला कहाँ? हमारे कम्युनिटी के फंक्शन में। आप कभी चंडीगढ़ गई है क्या भाभी? नहीं मैं अक्सर जाया करती है, अब चंडीगढ़ तो पास में ही, अपना अंबाला से राइट ले लो के चंडीगढ़। वैसे भाभी, आपका ये शॉर्ट नेम थपके किसने रखा? वो मेरे पापा ने। ये बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो हर कोई ऐसे पीठ पे शाबाशी यानी थपकी दिया करता था, तो पड़ गया नाम थपकी। ए, क्या कर रहा तू, क्या पागलपन है? इधर आ, इधर आ, साफ करिए। पता नहीं ये लड़का भी ना। मैं एक मिनट में आया। पूनम जी, देखिए मैं जानता हूँ आप थपकी के लिए परेशान हैं। क्यों नहीं होंगी परेशान, जिन लोगों से मिलने गई है उसके लिए एकदम नए लोग हैं। दिवाकर के दोस्तों ने उसके अटक के बोलने का मजाक उड़ाया। तो आज हम सब भाभी के पसंद का डिनर ऑर्डर करेंगे। भाभी आपको जो ऑर्डर करना है करिए। ये लो भाभी, ऑर्डर कीजिए। मैं कुछ मदद कर देता हूँ ना। अरे यार, तू बारह बजे टांग क्यों उड़ाता है? भाभी को ऑर्डर करने देना, हमें भी तो पता चले भाभी और हमारा टेस्ट कितना मिलता जुलता है। भाभी आप करिए ऑर्डर। बेटो, भाभी कीजिए ऑर्डर। थपकी की एक कमी के बजाय अगर आप उसके हजारों खूबियों को याद करेंगी ना, तो आपका हर डर खत्म हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग है वो, अपने आप को संभालना जानती है। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। दो प्लेट कढ़ाई पनीर। दो प्लेट कढ़ाई पनीर मेरा फेवरेट है। तीन प्लेट दाल फ्राई। तीन प्लेट दाल फ्राई और तीन प्लेट स्पाइसी चॉपस्टिक। भाभी एक सेकंड, मेन्यू कार्ड इधर दीजिए। तू समझ गया ना, तीन प्लेट स्पाइसी सेजवान चॉपसी और साथ में ग्रीन सैलेड, पापड़ और पनीर चिली भी लेके आना। जल्दी लाना प्लीज, बहुत भूख लगी है यार। पे धूप सी ऐसी पड़ी है, ख्वाब जो थे पिघल गए। एक्सक्यूज मी मैम, वॉशरूम पर आती हूँ। दिल की सुनी है पल के मुंदी निकल गए। दिन सॉरी, थोड़े उम्मीदें हैं जोड़े, जिंदगी मुस्कानों को टोके। दे दो ना फिर से वही थप 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 की
की थप 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 की प्यार की थप 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 की थप 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 की थप 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 की प्यार की। यार छोटू तूने तो बताया नहीं कि भाभी ऐसे बात करती है। हाँ छोटू इतनी बड़ी बात कि नाम से छुपाई हैं? छोटू तू एक काम कर, तेरी जो घड़ी है ना उसका काटा ना एक घंटे पूरा पीछे कर दे, क्योंकि तेरी लाइफ अब ऐसी चलने वाली है वक्त से पीछे। वैसे सही है ना, अब तू छोटू के साथ साथ सो भी हो जाएगा। क्या राम मिला है जोड़ी है, एक छोटू एक पता है आपको हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक बार हनुमान जी सूरज को सेब समझ के उसे खाने के लिए उसकी तरफ उड़ चले थे। दूर से उन्हें वो सूरज एक छोटा सा फल जैसा लगा था। और हम सभी जानते हैं किट्स मच मच बिगर। जानना चाहते हैं कितना बड़ा? दूर से वो छोटा दिखने वाला सूरज इतना बड़ा है कि उसमें ऑलमोस्ट 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। पर ये सब आप हमें क्यों बता रही हो? क्योंकि दिवाकर का अर्थ होता है सूरज। ऐसे ही छोटे दिखने वाले वामन अवतार ने दो कदमों में पृथ्वी और आकाश नाप लिया था। और आई एम श्योर इनको छोटू बुलाने का मतलब आप सबका इनके लिए सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं। एनीवे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। पूनम जी दूर के रिश्तेदारों को 1100-1100 दे देंगे और जो करीब के हैं उन्हें 2100, ठीक रहेगा ना जी? अब एक काम करते हैं, मैं नाम लिखता हूँ, आप मुझे पेन दो। अब बोलती जाओ। अग्रवाल जी और दूसरा बेटा आ गए तो ठीक तो है ना, मतलब सब ठीक रहा ना वहाँ? शुक्र है दी। कैसी रही तुम्हारी डिनर डेट? दीदी जीजू ने आपको क्या खिलाया? दी हमें क्यों बताएगी? हाँ तंग मत कर उसे। तब की बेटा इधर आ, चल थोड़ी देर मेरे साथ बैठ। बेटा कल तो तू विदा हो जाएगी, फिर तुझे समय कहां मिलेगा हम लोगों से बात करने का? फिर तो तू मेहमानों की तरह आया करेगी यहां पर। करूंगी आप सबको।
बहुत मिस। आप भी ना, क्यों ऐसी बातें करके दुखी कर रहे हो बच्चे को? बेटा जा मुंह हाथ धो ले जा, मेहंदी लगवानी है ना। जाओ बेटा जाओ। तीन प्लेट स्पाइसी स्पाइसी शेजवान। पापा थक गई हूं मैं, थक गई हूं पापा टक टक के। तुझे नहीं थकना है बेटा, थकेंगे तो वो जो तुझ पर हंसते हैं, थकेंगे वो जो तेरा मजाक बनाते हैं, थकेंगे वो जो तेरी हिम्मत को तोड़ते हैं। तुझे थकना नहीं है बेटा, इधर देख क्या कहती है तू हमेशा, इधर खराबी नहीं है, इधर खराबी नहीं है। और तुझे पता है दुनिया इधर से और इधर से जीती जाती है, और मुझे पता है तू जीतेगी, जीतेगी ना। अब चल जल्दी से मेहंदी लगवा ले, कल तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, चले। इतना इंपॉर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का, खुश होना चाहिए मुझे, पर सबके सामने मजाक बन रहा है मेरा। कल ये भी पहनना है, इसमें तो मैं और भी छोटा लगूंगा। छोटू तू एक काम कर, तेरी जो घड़ी है ना उसका कांटा ना एक घंटे पूरा पीछे कर दे,
क्योंकि तेरी लाइफ अब ऐसी चलने वाली है वक्त से पीछे। ऐसे सही है ना, अब तो छोटू के साथ साथ स्लो भी हो जाएगा। क्या राम मिला है जोड़ी है, एक छोटू एक। तक मेरी जिंदगी में आई नहीं, उसके पहले ही दिमाग खराब करके रखा है। कहां फंसने जा रहा हूं मैं? आ गया। अरे 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 भाग मत। अरे शादी से पहले ही आपका आखिरी डांस होगा, और वैसे भी आज बारात में बाराती नाचेंगे, हम नहीं। चलो ना, बहुत मजा आएगा। चलो चलो चलो। गाना बजाना बंद करो। अदिति, सब रोक क्यों दिया? हाँ? एक मिनट माँ। माँ, पापा, all the respected ladies and gentlemen, अब हमारी प्यारी थपकी दी, हमारी दुल्हन, हमें वो सुनाएगी जो उसने हमारे परिवार के लिए लिखा है। वैसे ना 4 से 5 दिनों से ये तो यही याद कर रही है। चलो थपकी दी, जल्दी से सुनाओ। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? अब हल्दी है, शाम को फेरे और फिर विदाई। अब नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? अच्छा, तो ससुराल जाकर हमें फोन करके बताओगी क्या? चलो ना, तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी थपकी दी का, जो इस घर में कुछ ही घंटों की मेहमान है। कल से आप इस घर में नहीं दिखेंगी। अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन सबको छोड़कर एक नए घर चली जाओगी। विदा होने से पहले ये थपकी दी का सरप्राइज है हम सबके लिए। पढ़ दो। सबके चेहरे पे कितनी स्माइल है। लेकिन मैं जानती हूँ आप सब लोग अंदर से कितने दुखी है, क्योंकि आज मैं
इस घर को छोड़ के चले जाऊंगी। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। पिछले चार पांच दिनों से बहुत कुछ लिखा है आप सबके लिए। सबसे पहले मेरे नहीं बेटा, बस बस बेटा, रोते नहीं है बेटा, नहीं आंसू कुछ बस बेटा, बेटा ये खुशी का माहौल है, आंसू का क्या काम बेटा? देख मेरी तरफ देख, तूने तो बिना बोले ही सब कुछ कह दिया बेटा, रोते नहीं। हाँ दी, हम सब समझ गए, आप हमसे कितना प्यार कर रहे हो। दी चुप हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ आप हल्दी शुरू करो, बुआ जी आप ढोलकी शुरू करो। शगुन के हल्दी का टीका लगा दीजिए। पापा टूटू, पापा टूटू। बेटा तू बिल्कुल भी नहीं बदली, एकदम पहले जैसी है। और हमेशा वैसे रहूंगी। अरे आप बाप बेटी हल्दी की रस्म करोगे या दूसरों को भी मौका दोगे? भैया मैंने कब मना किया है, आओ कौन आ रहा है, आओ आ जाओ। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम आओ चलो। हाँ अरे माँ देख लो ना, हमेशा होली में बच जाती थी ना, अब कहाँ भागेगी। अरे थपकी इधर आओ बेटा, इधर आ। हाँ भैया लो ना। माँ पापा भैया का फोन है। वरुण का फोन आया। हेलो। हाँ भैया मैं बस अभी लैपटॉप लेकर आती। हाँ हाँ माँ पापा, माँ जल्दी उतरो ना दी। अरे कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप लोग कैसे हैं? बेटा इतना कमजोर लग रहा है तू। माँ आपको मैं हमेशा ही कमजोर लगता हूँ, पर इस बार फॉर अ चेंज आप बहुत कमजोर दिख रही हैं।
बेटी की शादी कर रही भाई, कोई हंसी खेल थोड़ी है। पर हमारी छुटकी थपकी है कहाँ? एक मिनट भैया। हाय भैया। ये रही आपकी मिस हल्दी। हमेशा कहता था ना तुझसे, तेरी शादी में सारे काम मैं ही करूंगा। देख मुझे, यहाँ बैठा हूँ इतना दूर तुझसे। कोई बात नहीं भैया, आप वहाँ अपना ख्याल रखो, मेरे पास तो सब है। अरे भाई वरुण यहाँ नहीं होकर भी यही है, अभी देखो हल्दी की रस्म करेगा। हमेशा खुश रहना। बाय भैया। बाय भैया। हल्दी गिर जाती तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। कोई बात नहीं पूनम जी, सब ठीक ही होगा। नॉक नॉक। अबे एक बार फिर से ठीक से सोच ले, पक्का तुझे उस थपकी से शादी करनी है ना? हाँ चुप हो जा यार, कब से एक ही चीज बोले जा रहा है तू। अरे यार वैसे भी तो बहुत लेट हो चुका है यार, तूने भी हल्दी लगा दी और उसने भी। एक काम कर, तू थोड़ा शेव कर ले और अपनी हेयर स्टाइल भी बदल दे, ताकि तू थोड़ा हैंडसम लगेगा मेरे छोटू। यार चुप हो जा वरना इधर ही उतार दूंगा तुझे। अरे यार तू भी क्या है सर? अरे अरे यार अरे उतर। अरे रुक 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 रुक, उतरता हूं, रुक रुक रुक। तू मुझे उतारने की बात कर रहा था ना, देखा इसने तुझे उतार दिया। एक तो पहले से लेट हो रहा है, ऊपर से ये स्कूटर भी। तो फिर जल्दी स्टार्ट करना प्लीज यार। रुक 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 रुक। चल। अरे यार। अरे यार। फिर से उतरू? क्या यार? ये रुक रुक के क्यों चल रहा है? अभी तेरे किस्मत में ना सब रुक रुक कर ही चलेगा, भाभी जी हो या तेरा ये स्कूटर, अब दोनों की आदत डाल दे। सबकी बेटा तैयार हुई या नहीं? टाइम बहुत कम है,